अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जाजिब, आप देख रहे हैं टेक वीडियो रिव्यूज़। आज जिस चीज़ का रिव्यू आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं वो है कि फोटोशॉप के ऊपर फोटो की क्वालिटी को एनहेंस किस तरह करेंगे, उसकी क्वालिटी को अच्छा किस तरह करेंगे, कुछ ही मिनट के अंदर यूं आप अपनी फोटो की क्वालिटी को बिल्कुल बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इस तरह की तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलें चलते हैं अपनी कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जी तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम लोग अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। ये फोटो देख सकते हैं आप लोग, ये एक फोटो रखी हुई है मैंने। इस फोटो की क्वालिटी को हम लोग एनहेंस करेंगे फोटोशॉप के ऊपर जस्ट कुछ ही क्लिक के ऊपर। तो चलें इस फोटो को ओपन कर लेते हैं हम लोग जल्दी से फोटोशॉप के अंदर। ये देख सकते हैं आप लोग के फोटोशॉप के अंदर इस फोटो को ओपन कर लिया है मैंने। अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले देखें यहाँ पे जो ये लॉक का बटन आ रहा है, ये लेयर लॉक हुई हुई है, इसको हम अनलॉक कर लेंगे यहाँ पे क्लिक करके। अनलॉक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस फोटो की लेयर के ऊपर आके हम क्लिक कर देंगे तो ये पूरी फोटो जो है हमारी सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद हम नीचे ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर जो ये एडजस्टमेंट लेयर का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें आप लोगों के पास कितने सारे ऑप्शंस आ गए। वन बाय वन यहाँ से कुछ ऑप्शंस हम अपनी फ़ोटो के ऊपर अप्लाई करेंगे और आप लोग देखिएगा वो अप्लाई करने के बाद हमारी फ़ोटो की क्वालिटी कितनी बेहतरीन हो जाएगी। तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं हम लोग कर्व्स, इस पर क्लिक करेंगे तो देखें इस तरह की प्रॉपर्टी कर्व्स की आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जस्ट करना क्या है हमने, यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ से इसकी जो ये प्रॉपर्टी की लाइन आपको दिख रही है इसको ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर करेंगे। जब हम ऊपर करेंगे तो आप देखिएगा कि फ़ोटो की जो ब्राइटनेस है वो शार्प होना शुरू होगी। ये देखें जितना भी आपने शार्प करना है आप कर सकते हैं, मगर इसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इसकी हम शार्पनेस जो है, शार्पनेस की क्वालिटी वो दूसरे फिल्टर्स भी इस पर अप्लाई करेंगे। तो हम जस्ट जो कर्व है वो इतना ही अप्लाई करते हैं इस पर। इसके बाद दोबारा हम फोटो की लेयर के ऊपर आएंगे और कंट्रोल के साथ दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा इस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर जाके ये जो लेवल्स आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन डॉट्स आ रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के। जो फर्स्ट वाला है जस्ट इसको हम यहाँ से थोड़ा सा कम करेंगे। ये देख सकते हैं आपकी कितनी शार्प हो गई फ़ोटो हमारी। इसको यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। इसके बाद दोबारा इसके ऊपर आएंगे फोटो के ऊपर, कंट्रोल के साथ फिर हम इसकी प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करेंगे और अब हम जाएंगे यहाँ पर ह्यू के ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब ये देखें ये इसकी तमाम कलर्स की प्रॉपर्टी ओपन हो गई। तो थोड़ा सा यहाँ से इसके हम कलर को डार्क कर देंगे। ये देखें कलर्स थोड़े से इसके हमने सेट कर दिए यहाँ से। अब हम दोबारा जाएंगे इस फोटो के ऊपर, दोबारा कंट्रोल के साथ हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम ऑप्शंस के अंदर जाएंगे और अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो अब ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी ओपन हुई है ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की ओपन हुई है। अब यहाँ से हम इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाएंगे। इसके बाद इसकी कलर्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाएं, थोड़ा सा यहाँ से कलर को हम जो है कम कर देते हैं, जस्ट ये काफ़ी है। अब इसकी क्वालिटी को आप देख सकते हैं, साइड बाय साइड दोनों इमेजेस को हम रख के देखते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने कौन कौन से ऑप्शन अप्लाई करें फोटो के ऊपर, कर्व्स अप्लाई करा है, लेवल अप्लाई करा है, ह्यू, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, जस्ट ये चार फीचर्स हमने अपनी फ़ोटो के ऊपर अप्लाई करे हैं और आप देख लें कि फ़ोटो की क्वालिटी किस तरह की हो गई है। अब हम इसको सेव करते हैं फ़ोटो को, सेव एज कॉपी 2 के नाम से सेव कर लेते हैं और अब दोनों फोटोज को साइड बाय साइड ओपन करके देखते हैं। ये देखें ये है हमारी विदाउट एडिटिंग फोटो और ये है हमारी एडिटिंग फोटो। दोनों के अंदर आप वाज़े फ़र्क देख सकते हैं कि कुछ ही टाइम के अंदर कितनी जल्दी से हमने अपनी फोटो को इनहेंस करके कितनी अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया। जी तो फ्रेंड्स, फोटो की क्वालिटी को एनहेंस करने की फोटोशॉप के ऊपर ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इस तरह की तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।